भारत यानी इंडिया ये हमारे लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक इमोशन है, एक ब्रांड है, हमारी पहचान है। कहने का तो हम जब इंडिया में होते हैं हम काफ़ी चीज़ से नाखुश होते हैं, काफ़ी कंप्लेंट करते हैं कि ये ऐसा है वैसा, इसको ऐसा होना चाहिए, ये कभी सुधर नहीं सकता, यहाँ पे ऐसा है, ये चीज़ ख़राब है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और ख़ासकर कोई बाहर का बंदा हमारी कंट्री के बारे में कुछ बोलता है तो पता नहीं ऐसा कौन सा 220 वाट का करंट लगता है हमारे अंदर। तो फिर चाहे हमारा पड़ोसी बोले, साडा पड़ोसी बोले या साडा कनेडा, उस बंदे की MCBC विराट कोहली तो हम करते ही करते हैं। कुछ ऐसे ही वाक्या हुआ मेरे साथ मेरे क्लास में, जब एक हमारे ग्रुप डिस्कशन में एक बंदे ने कुछ इंडिया के बारे में ऐसा कुछ कमेंट किया जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग था और प्लस काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल था। तो क्या हुआ एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, आप वीडियो पर देखते रहें। काफ़ी अच्छा सबक सिखाया मैंने उसको मेरे हिसाब से। आप लोगों का क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यार सुबह सुबह उठ रहा हूँ और जाना पड़ रहा है एक्चुअली डॉक्टर के पास। यार डॉक्टर का ना मैंने पहले भी बताया काफ़ी मुश्किल है अपॉइंटमेंट का, 20-25 दिन का वेटिंग होता है कभी कभी। और मेरी चांस अच्छी थी, मैं रेगुलरली हर 2-3 दिन जाके लॉगिन करके देख रहा था कि अपॉइंटमेंट मिल जाए, और थैंकफुली एक अपॉइंटमेंट मिल गई आज की ही। शायद किसी ने बीच में कैंसिल करी होगी इसलिए वो स्लॉट मेरे को मिल गया। तो मैं कहा यार वो स्लॉट ले लो, मेरे को कुछ टाइम से ना नींद ढंग से नहीं आ रही, पता नहीं किस बात की। तो डॉक्टर को जाके दिखाऊंगा, मैंने फार्मेसी से दवाई ली, फार्मेसी वाले ने दवाई तो दी मेरे को लेकिन वो तो नहीं कुछ काम की नहीं हो पाई, ज़्यादातर असर नहीं हो पाया उसका। तो मैं सोचा यार एक बार जाकर डॉक्टर को दिखाएं, तो उसके लिए जा रहा हूँ। हाँ। चाहते आपको एक चीज़ बताना चाहिए। तो फाइनली मैं आ गया हूँ डॉक्टर के पास, काफ़ी दूर था मेरे घर से, बट जैसा मैंने बताया था कि अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। और यहाँ पे बड़ा बड़ा सीन होता है एक्चुअली, मैं इतना चक्कर आ रहा था, मैं सो नहीं पा रहा था, 3 दिन से ढंग से सो नहीं पा रहा था। तो अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी तो मैंने पहले जाके एमरजेंसी में पता किया, लेकिन एमरजेंसी में हुई एक एक्सीडेंट हो रहा था, एक बस शायद रात को पलट गई थी, तो उसकी इतनी भीड़ थी मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा। मैं 30-40 मिनट से वहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई मेरे को ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं भी परेशान हुआ पड़ा। तो वहाँ पे एक बंदा आया, वन का अटेंडेंट था यानी क्या हेल्पर टाइप था, उसने मेरे से पूछा क्या हो गया। मैंने कहा एमरजेंसी में दिखाना है, तो उन्होंने बोला क्या क्या समस्या है। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे समस्या है, तो उन्होंने बोला भाई एमरजेंसी थोड़ी है ये, तो भाई तुम बाद में भी आ सकते हो, बाद में आना भी, यहाँ पर थोड़ा बिजी है ये। मैं कहते भाई सुन, माना कि इतना एमरजेंसी नहीं है लेकिन मेरे लिए एक एक पल काटना इतना मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए तो भाई वाकई एमरजेंसी ही है ये, जितना दिन मैं टालते जा रहा हूँ उस चीज़ को मेरे लिए मुश्किल होती जा रही है, तो मुझे प्लीज़ देखो। तो उन्होंने बोला आप देख सकते हो आपके सामने कैसा वॉच पॉच हो रखा है, मीडिया वाले भी आ रखे थे यहाँ पे। तो मैंने कहा यार बात तो सही है और मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो बंदा सही था, उसने शायद किसी को कॉल किया, उसका कोई फ्रेंड था और वो भी डॉक्टर था, तो उन्होंने बोला कि काम कर उधर चले जा मेरी बात होगी है। मैंने बोला मेरे पास अपॉइंटमेंट तो है नहीं, रेंडेवू तो है नहीं। उसने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, नाम बोल दियो और बोल दो कि इस बंदे ने भेजा, स्टीव नाम है उसका। उसने बोला स्टीव है स्टीवन अगर कोई याद नहीं आ रहा, उसने बोला कि इसने भेजा है तो चले आइयो। तो मैं चला तो गया उसके पास, फिर फाइनली उसने डॉक्टर ने थोड़ा वेटिंग रहा, डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी। हाँ लेकिन एक अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट यहाँ पे ना मेडिसिन सब कुछ फ्री होती है, तो ये थोड़ा फ़ायदा हुआ। तो क्योंकि 3 महीने का डोज दिया उसने मेरे को, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ रहा था, बट थैंकफुली मेरे पास इंश्योरेंस सब कुछ था, सोशल सिक्योरिटी था, तो फ्री में हो गया। हाँ तो अब निकलता हूँ क्लास के लिए, क्लास के लिए भी लेट हो गया, फिर बाद में बात करता हूँ। जैसे अभी मेरी क्लास खत्म हुई है, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कहीं घूमने जाओ। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं ये सेकर कहर का चर्च शायद दिखाई दे रहा आपको, मेरे ख्याल से फोकस में नहीं है, बट जो भी हो क्लास खत्म हुई। आज क्लास में काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक्या सा हुआ। हमारे टीचर ने बोला कि यार अपनी कंट्री के बारे में कुछ बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग, कोई दूसरा बाहर का बंदा आ रहा हो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, या आप किसी कंट्री में गए हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था। तो हर बंदे ने तो नॉर्मल बात बताई कि देखो हम यहाँ गए थे, हम यहाँ जर्मनी गए थे, हम US गए थे, ठीक है हम जैसे यहाँ पे मोरक्को से हैं, हमारी कंट्री में आओगे तो ये ध्यान रखना है, मतलब एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन चल रही थी। उसमें से एक कुकड़ का बच्चा कहता कि ना मैंने इंडिया गया था, मुझे तो वहाँ बहुत गंदगी और बहुत गरीबी दिखाई दी। अब मैं कहा यार सबके सामने मेरा ना सिर ना मत्था सनक गया उस टाइम पर, तो मैंने लगाई उसकी, मैं कहता हूँ क्या 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 बोल रहा था, दूसरी कंट्री और किसी पूरे वर्ल्ड में गरीबी नहीं है, अमेरिका जाके देख सबसे ज़्यादा होमलेस को वही मिलेंगे। फिर कहता है नहीं मेरा ऐसा ये मतलब नहीं था, मेरा ऐसे कुछ गलत सेंस में नहीं बोला। मैं कहता हूँ फिर तू किस सेंस में बोला ये बता, ठीक है तू भरी क्लास के सामने तू बोल रहा कि मेरे को इंडिया में गरीबी दिखाई दी और वो हम पे गंदगी दिखाई दी, ठीक है यार मानता हूँ प्रॉब्लम है हर कंट्री में, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सारी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही गिनो, भाई 10,000 अच्छी चीज़ें हैं इंडिया में, तुमने वो छोड़ के बस यही तुमने हाईलाइट किया, मुझे वहाँ गंदगी दिखाई दी, पॉवर्टी दिखाई दी, जैसे कि फ्रांस और क्या नाम है और किसी कंट्री में गंदगी है नहीं है, पॉवर्टी है नहीं। अभी पैरिस का चक्कर काटोगे ना 10 जगह ऐसे होमलेस लोग मिलेंगे, कूड़ा कचरा मिलेगा,
ये तो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, हर जगह हो जाती है, इसके लिए थोड़ी तुम इस कंट्री को पूरा बदनाम करोगे। मैं तुम्हारा एक बाल्टी भर का तुम्हारा देश है नहीं, चार बंदों ने मिलके क्या ना मिट्टी, चार मिट्टी डाल दी वही तुम्हारा देश देश खत्म हो जाएगा, वही डूब जाएगा तुम्हारा देश। इंडिया ऐसा थोड़ी है, इंडिया बहुत बड़ा देश है। अब देश बड़ा होगा तो प्रॉब्लम्स भी बड़ी होंगी, ठीक है। फिर वो चुप हो गया, फिर हमारे टीचर भी बीच में आ गया, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसे पर्सनल मत लो। मैंने कहा मैम बात पर्सनल लेने की नहीं है, लेकिन आप अगर आप किसी डिस्कशन में हो अननेसेसरी चीज़ें ऐसे कमेंट्स पास ना करें किसी के ऊपर, किसी की भी जो है फीलिंग्स हर्ट हो जाती है। कहता नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग देखो फ्रांस की बहुत बुराई करते हैं, वो करते हैं। मैं कह रहा हूँ बुराई करना अलग चीज़ है और ये पिन पॉइंट करना अलग चीज़ है। अभी इस कैन अबाउट टॉपिक पे हमारा डिस्कशन में कुछ था ही नहीं। हमने टॉपिक क्या था कि आप किसी कंट्री में जाओगे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कि क्या क्या हो सकती है और क्या क्या किस चीज़ें बचना है, तो वो बताओ या अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ये थोड़ी बोल दिया कि भाई गरीबी है यहाँ पे, गरीबी ऐसे ऐसे कि सिर्फ मेरे ख्याल से अंटार्कटिका में गरीबी नहीं है, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हर जगह गरीबी है। अब मैंने बोल बोल के मेरा टूटी फूटी फ्रेंच में मैंने बोला मैंने थोड़ी क्लास लगाई अच्छी खासी। फिर बेचारा चुप हो गया, क्लास के बाद भी आके सॉरी बोलता है यार देखो मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, आप बुरा मत माना। मैं कहा चल छोड़ जाने दे, मेरा काम था सुनाना तेरा सुना दिया, अब रात गई बात गई। एनीवेज मेरी बस आ गई है, बस लेके मैं जाता हूँ, थोड़ा भूख लग रही है, कुछ खाऊँ आज, डोसा वोसा खाने का मन कर रहा है। तो देखो अभी तो फिलहाल मैं आगे खाना खाने, और क्योंकि मेरा फेवरेट पास्ट टाइम है, तो मतलब जो भी होता हो ना, जो उसकी थोड़ा उसकी क्लास भरी क्लास में जब उसकी लगाई ना मैंने, मतलब जैसे मर्जी हो टूटी फूटी फ्रेंच में, लेकिन मैंने सुनाया उसको मैं यार, तो 2010 में आया था और 2010 को लेकर अब जाके तू बात करें कि हाँ भाई उस टाइम ऐसा आता, ठीक है उस टाइम हुआ होगा यार, उस टाइम इंडिया इतना नहीं पॉपुलर था, आज के डेट पर एक सुपर पावर है, इकोनॉमी अच्छी खासी और लोगों को समझ है क्या करना क्या नहीं करना। अब तो आज का इंडिया पहले का इंडिया और भारत में बहुत फ़र्क है, तो अननेसेसरी आप सबके सामने ऐसे बोलो और फिर वो बाद क्लास के बाद सॉरी बोलता है यार सॉरी मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। चल कोई बात नहीं।